दोस्तों, किडनी की बीमारियों के बाद कई सारे एलोपैथी डॉक्टर्स आपको किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दे देते हैं। ऐसे में कई सारे परेशान किडनी के पेशेंट जो अपनी लाइफ से काफी दुखी हो चुके हैं, वो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में सोचने लगते हैं। पर किडनी ट्रांसप्लांट के भी पीछे कई सारी ऐसी बातें हैं जो आपको किडनी ट्रांसप्लांट की सोचने से पहले जरूर जान लेनी चाहिए। चलिए हम आपको बताते हैं 5 ऐसी चीजें जो आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराने से पहले अपने दिमाग में ध्यान रखनी जरूरी है, और ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप ये ढंग से डिसाइड कर सकें कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है कि आप किसी और इलाज का सपोर्ट ले सकते हैं। तो दोस्तों, पहली चीज तो यह है, किडनी ट्रांसप्लांट आपकी किडनी की बीमारियों का क्योर नहीं है या आपकी किडनी की बीमारियों को पूरी तरीके से ठीक नहीं कर सकता। किडनी ट्रांसप्लांट एक ऐसा ऑपरेशन है जिसमें किसी दूसरे की किडनी आपके शरीर में लगा दी जाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि किडनी ट्रांसप्लांट के फेलियर रेट बहुत ही ज्यादा हाई है। 90% किडनी ट्रांसप्लांट फेल ही हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका शरीर नई किडनी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता है, या फिर और भी कई सारे कारण होते हैं। जो किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो जाते हैं उनकी लाइफ भी ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 साल ही बढ़ पाती है। यानी कि अगर आपने किडनी ट्रांसप्लांट करा भी लिया तो अभी ये पक्का नहीं है कि आप ज्यादा साल जिंदा रह पाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि किडनी ट्रांसप्लांट होते ही फेल हो जाए और आपकी लाइफ और दुविधा में पड़ जाए। दूसरी चीज आपको ये जानना जरूरी है कि किडनी ट्रांसप्लांट कोई सस्ता इलाज नहीं है। किडनी ट्रांसप्लांट के ऑपरेशन का खर्चा ही करीब 30 से 40 लाख होता है, और खर्चा सिर्फ ऑपरेशन का नहीं होता, ऑपरेशन के बाद आपको हर महीने करीब 20-30 हजार रुपए की दवाइयाँ खानी पड़ती हैं। इन दवाइयों में ज्यादातर इम्यूनो सप्रेसर्स होते हैं, ये आपकी इम्यून शक्ति को धीरे कर देते हैं जिससे आपका शरीर आपकी नई किडनी को एक्सेप्ट कर सके और आपकी बॉडी का फंक्शन अच्छा कर सके। इसी वजह से ज्यादातर किडनी के पेशेंट अपनी किडनी का ऑपरेशन नहीं करा पाते, क्योंकि इतना सारा पैसा एक साथ इकट्ठा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तीसरी चीज ये है कि किडनी मिलना आसान नहीं है। पहली बात तो यह है कि भारत में आपको सिर्फ आपके परिवार वाले ही किडनी दे सकते हैं, और वो भी कोई आपका ब्लड रिलेशन ही, यानी कि आपके माँ बाप, भाई बहन, बेटा बेटी वगैरह। किडनी मिलने का एक दूसरा तरीका होता है ट्रांसप्लांट लिस्ट में आना, पर आप ये जान लीजिए कि किडनी ट्रांसप्लांट की लिस्ट बहुत ही लंबी होती है और किडनी डोनेट करने वालों की संख्या बहुत ही कम। इसी वजह से ज्यादातर किडनी ट्रांसप्लांट की लिस्ट वाले पेशेंट किडनी के इंतजार में ही रह जाते हैं और एक दिन उनकी जान चली जाती है। और सही बात तो यह है कि हर कोई इंसान किडनी ट्रांसप्लांट लिस्ट में नहीं आ सकता। अगर आपकी किडनियां आपकी बुरी आदतों की वजह से खराब हुई है तो आपको किडनी ट्रांसप्लांट लिस्ट में नहीं लिया जाता। ध्यान रखने वाली बात यह है कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपकी लाइफ और बदतर हो जाती है। अगर आपको अपनी किडनी की बीमारियों के बाद अपनी लाइफ अभी खराब लग रही है तो ये जान लीजिए कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आपकी जिंदगी और ज्यादा परेशान भरी होती जाएगी। आपकी डाइट बहुत ही ज्यादा रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, आपको हमेशा डर सा महसूस होगा, आपको अपने नॉर्मली दिन प्रतिदिन के काम करने में भी दिक्कत महसूस होने लगेंगी, और आपको डेली कई सारी दवाइयां खानी पड़ेंगी। ऐसी चीजों की लिस्ट बढ़ जाएगी जो आप नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी थोड़ी लंबी तो हो जाएगी पर ये जिंदगी अच्छी नहीं रहेगी। आपको जीने में काफी दिक्कत महसूस होने लगेगी, इससे आपका मोटिवेशन भी कम हो जाएगा। और 5वीं चीज जो आपको जरूरी जानने की जरूरत है वो ये कि किडनी ट्रांसप्लांट का भी अल्टरनेटिव है, और वो अल्टरनेटिव है आयुर्वेदिक दवाइयों द्वारा आपकी किडनियों का इलाज। और इस इलाज में आपकी मदद कर सकता है कर्मा आयुर्वेदा का आयुर्वेदिक ज्ञान। यहाँ डॉक्टर पुनीत धवन डेली न जाने कितने ही पेशेंटों की किडनी के बीमारियों को ठीक कर दिखाते हैं। चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही पेशेंट से। आज हमारे साथ एक पेशेंट और जुड़े हैं। क्या नाम है आपका? लव कुमार गुप्ता। थोड़ा तेज बोलिए। लव कुमार गुप्ता। कहाँ के रहने वाले? ये शाहरा जमनापाल। दिल्ली के। दिल्ली के। जब आए थे उस समय क्या क्या दिक्कत आ रही थी लव आपको? सर वॉमिट बहुत ज्यादा हो रही थी मुझे, और वीकनेस ही महसूस होती, वॉमिट बहुत ज्यादा हो रही थी और सांस फूल रही थी मुझे बहुत ज्यादा। उस समय मालूम नहीं था कि कोई प्रॉब्लम है मुझे, तो बट मैंने अपने कुछ टेस्ट करवाया तो उसमें कुछ रिपोर्ट आई, तो वो डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर कंट्रोल नहीं करा तो आगे डायलिसिस पे चले जाओगे। कहाँ पे दिखा रहे थे?
और अभी कितना क्रिएटिनिन आया है? अब मेरा आया 6 पॉइंट आया मेरा। ये टेस्ट आपने कहाँ से कराए? लाल पैथ। ये रिपोर्ट आपने किसी ने एडवाइस करी थी यहाँ से कराने के लिए और वाज इट योर सेल्फ चॉइस? लाल पैथ एक्चुअली क्या जो बेस्ट है अगर रिपोर्टिंग्स में तो लाल पैथ बेस्ट है तो देन मैंने लाल पैथ से करवाया। बहुत अच्छे रिजल्ट आए हैं। फिजिकली क्या क्या आपको फर्क लगा है? फिजिकली सिर्फ वॉमिट मेरी बंद हो गई है मेरी और कोई वीकनेस मुझे फील नहीं होती है। मतलब ठीक है, खाने पीने में भूख भी लगती है, कोई प्रॉब्लम स्टेबल है, भूख भी बढ़ गई है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नजर आए हैं इनको। देखिए वॉमिटिंग और ये सब चीज़ें आना ये सब एक सिम्टम होते हैं कि दैट द किडनीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली। यूरेमिक सिम्टम्स जिनको कहा जाता है, यूरेमिक सिम्टम्स सबसाइड होगा यानी कि किडनी पेशेंट जो है वो डायलिसिस के प्रोटोकॉल से बाहर आ गए। अभी ये सब सिम्टम्स नहीं है, मतलब डायलिसिस की रिक्वायरमेंट इनकी बॉडी को अभी नहीं है। साथ ही साथ इन्होंने टेस्ट भी कराए हैं और देख सकते हैं क्रिएटिनिन जो है वो इसके अंदर 8.77 है और यूरिया जो है वो 98 के आसपास है। और ये दिस वॉज ऑलमोस्ट द प्रोटोकॉल ऑफ डायलिसिस क्योंकि इस समय इनके सिम्टम्स भी प्रेजेंट थे उस टाइप के डायलिसिस वाले। अभी जो है सिम्टम्स भी नहीं है और क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ है। दिस क्रॉस वेरीफाई द क्लेम कि सिम्टम्स भी साथ में रिड्यूस हुआ और क्रिएटिनिन भी रिड्यूस हुआ। इसका मतलब है कि GFR डबल इंप्रूव हुआ है, क्रॉस वेरीफाई भी हो गया क्योंकि सिम्टम्स भी सबसाइड हो चुके हैं। क्रिएटिनिन जो है वो 6.4 हो चुका है, यूरिया जो है वो 676 की रेंज में आ चुका है। बहुत अच्छे इनको रिजल्ट नजर आए हैं। तो पेशेंट इज टोटली आउट ऑफ द डायलिसिस प्रोटोकॉल राइट नाउ। फिजिकली भी बेटर लग रहा होगा तो मैक्स में उस समय क्या डायलिसिस बता दिया था? मैक्स में बोल दिया था कि अभी आप ट्रीटमेंट अभी लीजिए नहीं तो अगर बढ़ना स्टार्ट हो गया तो आपको जरूरत पड़ सकती है। पहले तो आपका ये बढ़ ही रहा था? हां कंटीन्यूअसली बढ़ रहा था, नेफ्रोन्स मेरे कंटीन्यूअसली मतलब टूटी रहते तो, बट अब यहां पे आया तो काफी मेरा मतलब पहले स्टे हुआ पहले मेरा यहां पे और आफ्टर 3 मंथ्स रिजल्ट काफी बेटर, फिर डिक्लाइन होना शुरू हुआ। डिक्लाइन होने पहले ये इंक्रीजिंग, पहले इंक्रीजिंग पे था, अब कहते रेगुलर बेस पे, बट कहते अब ये डिक्रीज हो रहा है। स्टे हुआ, स्टे के बाद मेरा डिक्रीज हुआ है। बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी नजर आए। ठीक है, लव लकुमान, आगे भी हम यही चाहते हैं कि आप और भी अच्छे रिजल्ट्स हैं, जस्ट मेक श्योर जैसे बताया सब आप वैसे ही फॉलो कीजिए। जी जी जी। तो देखा आपने कैसे कर्म आयुर्वेदा के आयुर्वेदिक ज्ञान ने इस पेशेंट की किडनी की बीमारियों को ठीक कर दिखाया। आशा है वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, हेल्दी रहें, खुश रहें। अगर आप भी किडनी डायलिसिस पर हैं और बचना चाहते हैं इस पेनफुल प्रोसीजर से तो आप भी डॉक्टर पुनीत धवन से संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है G20 NDM 1 प्लॉट नंबर B234 अपोजिट NIMS नेताजी सुभाष प्लेस पीतमपुरा न्यू दिल्ली 110034। हमारे फोन नंबर्स हैं 09871712050 01142644274। हमारी ईमेल आईडी है doctor@karmaayurveda.com। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.karmaayurveda.com पर लॉग ऑन भी कर सकते हैं।